भाई वीडियो को स्किप मत करो भाई, क्योंकि पूरा देखो, क्योंकि मैंने इसे बनाने में बहुत मेहनत लगाई। तो एक एक पॉइंट ठीक ध्यान से सुनो जो मैं स्टार्टिंग में बोलने वाला हूँ, तो लिसन प्लीज़। थैंक यू। हे तो वेलकम गाइस, मैं बस आज इतना कहना चाहता हूँ कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो बस, क्योंकि भाई मैंने इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत की है, क्योंकि भाई बहुत टाइम लगता है, बहुत मेहनत लगती है इतने वीडियो बनाने में। तो बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, वीडियो को स्किप मत कीजिए और एंटरटेन कीजिए मेरे वीडियो को, जो मैंने हार्ड वर्क किया है इसके ऊपर। तो प्लीज़ थैंक यू। तो कैसे हैं आप लोग भाई? अब मूड इतना ख़राब है, क्या बताऊँ यार तुम्हें, इतना ख़राब है, इंटेंसली मूड ख़राब है, क्योंकि भाई इतना पिंग आया जा रहा है मेरा, पूरा दिमाग ख़राब कर दिया। स्क्वाड के साथ खेल ही नहीं सकता, तो फिर मैं आज आ गया सोल वर्सेस स्क्वाड, और ऐसा गेम किसी ने भी खेला नहीं होगा आज तक, क्योंकि मेरी इतनी हाई पिंग थी, इतनी हाई पिंग में भी मैं सोल वर्सेस स्क्वाड खेलने लगा, और इसमें आप मुझे कह सकते हैं मैं शक्तिमान बन गया, क्योंकि भाई हम इंडिया में रहते हैं, इंडिया में शक्तिमान आपको मिलेगा, क्योंकि इंडिया का फेवरेट हीरो शक्तिमान है। शक्तिमान का काम है नाजुक लोगों को बचाना, लेकिन इसमें उल्टा है, मैं ही नाजुक लोगों को मारता हूँ और नाजुक लोगों को बचाता हूँ। नाजुक लोग मतलब हमारे बॉट, तो बॉट दादा हमें आगे मिलते हैं और हमें कोई पीछे से फायर करता है। जिसने भी मुझे मारने की कोशिश की तो वो तो बहुत ही बड़ा नोबड़ा था, क्योंकि देखो या हमने एक बॉट दादा को मार दिया और दूसरा जाने जा रहा है, असली बंदा है, ये ख़त्म साला, बहुत कर रहा था। मैंने आपको पहले ही बताया था मेरा मूड इतना ख़राब है चल रहा कि 300 की पिंग, भाई आप जब देखोगे ना पूरी मैच मेरे 300 की पिंग के नीचे थी ही नहीं। तो जिसने भी मेरे ऊपर फायर किया था भाई, बहुत गलत तरीके से किया था, क्योंकि भाई इतना गंदा स्प्रे मैंने आज तक नहीं देखा, मुझे एक भी गोली टच नहीं हुई। हाँ, भाई साहब तो ये गया, मेरा पूरा मूड ख़राब कर देता। अब रुको, जैसे ही मैं यहाँ से जाने लगा तो मैंने एक नाजुक बॉट के ऊपर फायर होते हुए देखा, तो मैं सहा नहीं गया मुझसे, तो फिर मैं इनको दिखाऊंगा, अभी रुक जाओ, हेल्थ ख़राब कर दे, अब थोड़ी हेल्थ लगा लेता हूँ, एक मिनट। बेचारे के ऊपर रहम खाओ रे, रहम खाओ। जैसे कि मैंने आपको कहा था, मैं नाजुक लोगों के ऊपर दर्द नहीं देख सकता, इसलिए बॉट को मैं ही मारूंगा और मैं ही बचाऊंगा, और इनको अब मैं दिखाता हूँ, एक मिनट। खिलाड़ी से पंगे नहीं लेते बेटे। गया साल, और एक कहावे तेरा सब लोंडा को बोला तेरा, चल देख। अकेले बॉट के ऊपर तीनों चढ़ गए थे बेचारे के ऊपर, रुक जाओ बे तुम, और देखो भाई मैं कितने पिंग पे खेल रहा हूँ वो भी देख लो आप। कोई भी लगता है क्या भाई, इतने मेहनत से मार रहा भाई, इतने बड़े पिंग में कोई खेल के दिखाओ मुझे, ये चैलेंज है। हाँ असली प्रो बंदा इसी पिंग पे खेलता है। ये क्या बॉट है क्या? अबे ये तो असली बंदा था, कितना नोबड़ा था साला, बॉट के कपड़े पहन के आ गया था। ओए देखो भाई देखो, मैं जब भी स्कोप ऑन कर रहा हूँ तो बहुत लेट स्कोप ऑन हो रहा है, इसलिए आपको पता भी चल गया होगा मेरी पिंग कितनी हाई। तो यहाँ पे मैं हूँ शक्तिमान, इसमें सब बॉट को बचाऊंगा और मारूंगा भी मैं ही, देखते उस बॉट के क्रेट में क्या मिलता है, सबकी पुंगी बजा दूंगा चिरकुंडों की। ये चार चिरकुंडे तो मेरे हाथ से मर गए, और बाकी के चिरकुंडे कहाँ पे है क्या पता, तो सर्च करना पड़ेगा, यहाँ पे गूगल बाबा नहीं है तो फिर अपने हाथ से ही सर्च करना पड़ेगा, मतलब उंगलियों से। तो चलो हम सर्च करने निकल पड़ते हैं। तो जैसे मैंने कहा था मैं हूँ इसमें शक्तिमान, तो शक्तिमान के दुश्मन यहाँ पे मिलते हैं, आपको पता ही होगा उनका दुश्मन कौन है, अंधेरा कायम रहे, यहाँ पे अंधेरा कायम रहे वाले लोग आ जाते हैं साले, इनको बताता हूँ रुको। आप ये देखो अंधेरा कायम रहे वाला कहाँ पे, वो देखो अंधेरा कायम,
ओ भाई एक ही गोली। अरे मैंने तो बाद में देख लिया भाई, एक भी अटैचमेंट नहीं है इसमें, कैसे स्प्रे लगेगा। हट, अंधेरे कायम रहने वाले को पास से ही मारना पड़ेगा। रुक जाओ। यहाँ पे हम शक्ति गोला फेंकने जा रहे हैं, शक्ति गोला का असर देखते हैं। वो बच गया लौंडा, वो तो फ्लैंक मार के आने की सोच रहा है। शक्तिमान से कोई बच नहीं सकता, क्योंकि देखो मेरे पिंग क्या है, प्रो बंदे इसी पिंग पे खेलते हैं। खेल के दिखाओ, कोई चैलेंज है मेरा, और वो भी सोलो वर्सेस स्क्वाड। मुझे पता चल गया, उसका नौकर वाला, अंधेरा कैमरे वाला आ गया यहाँ पे। कोई कर लेगा ऐसे, कोई कर लेगा, इतने पिंग में खेल के दिखाओ, कोई करके दिखाओ, चैलेंज है भाई। तो यहाँ पे उन्हीं चिरकुंडों को ढूंढने निकल पड़ते हैं। तो फिर आगे मुझे और एक अंधेरा चिरकुंडा दिख जाता है, तो उस चिरकुंडे को मैं ही ख़त्म कर सकता हूँ। कोई नहीं, इस पिंग में सिर्फ अंधेरे कायम रहे वाले ही मिल जाएंगे, जो मैं ही मार सकता हूँ साले को। भाई पकड़म पकड़ाई खेल रहा है, इसको पता नहीं मैं कैसे धप्पा देता हूँ इसको। देखो और पकड़ साले, और पकड़, कैसे हेडशॉट खाया। हाँ पंगे मत लेना, प्रो है हम, प्रो 300 पिंग पे खेलते हैं, प्रो बंदे हम, प्रो, और वो भी सोलो वर्सेस स्क्वाड, नाइस स्क्वाड में। यहाँ पे मुझे भालू का साउंड क्यों आ रहा है। ये भालू, अबे भाई साहब, ये एक इसने झपटा तो भाई मेरा काम ही ख़त्म हो जाएगा बे, इसलिए निपटना पड़ेगा इसको बे। भाई भाई भालू बहुत डेंजर होते हैं, कैसे तो करना पड़ेगा भाई। ये चिरकुंडा भालू है, देखो गया साला, ये अकेला है, सब स्क्वाड सब चिरकुंडों को मैंने मार दिया भाई, वो भी 300 पिंग में। कोई कर लेगा, कोई कर लेगा ऐसे। हाँ तो ये थी तुम्हारे शक्तिमान की पावर, अब मेरी पावर देखने रह गई, क्योंकि शक्तिमान को अभी नींद आ गई, तो सोने चला गया। तो उसने बोला भाई मैं कल आऊँगा, मुझे टाइम नहीं है, तेरे अंदर बहुत बस लिया, अब मेरे तेरी बारी कैसे खेलना है। तो फिर मैं आज आजू बाजू देखता हूँ, तो भाई मेरे पड़ोस के घर में, भाई ये क्या देख रहा हूँ, यहाँ पे कार कैसे लगी पड़ी है, यहाँ पे मैंने कभी कार तो देखी नहीं पड़ोस के घर में। तो भाई मैं डर गया, तो मैंने सोचा भाई चलो कोई नहीं, बाद में देख लेते हैं क्या होगा। तो आगे बढ़ते 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 मुझे मिल जाता है फ्लेयर गन, आपको तो पता ही है, जो पीला पीला बॉक्स लाता है उसमें पीला पीला। कुछ गलत मत समझना भाई, पीला पीला मतलब धुआं निकलता है जो दूर से दिखता है। यहाँ पे नहीं, मैं आगे चलाऊंगा पीले बॉक्स के सामने, क्योंकि पीला पीला ही पीला पीला अच्छा लगता है। तो हम यहाँ से निकलते हैं भाई, थोड़ी नींद लेने 2 घंटे के लिए, 2 घंटे बाद आएगा, तो थोड़ी नींद लेते लेता हूँ मैं। 2 hours later ये 2 घंटे बाद मैं क्या सुनता हूँ, जब सोने के बाद मेरे घर के आंगन के सेब चोरने लगे, सेब संतरे हैं लींबू सब कुछ चोरने लगे। देखो अब इनको मेरे घर में आने का अंजाम बताता हूँ, 1 मिनट, मेरे घर में आके मेरे घर के फ्रूट्स लूटते हैं साले। रुक जाओ, एक जब निकलेगा ना पकड़ के सब कुछ, इसको ऐसे पकड़ूंगा ना, सब सामान ले लूँगा मेरा, अकेले लूटने आ गया भाई। इसे पता नहीं किसी के घर में अगर कोई चोरी करने जाने हो तो अकेले कभी नहीं जाना, अब कैसे फंसेगा। देखो ये मेरा मैंगो और एप्पल उठाता है, रुक जाओ। जैसे कि मैंने बोला था, प्रो बंदे ही ये पिंग पे खेलते हैं, कोई कर लेगा, करके दिखाओ भाई, डाल दो वीडियो और मुझे सेंड कर दो, इंस्टाग्राम पे बता दूंगा तुमको, प्रो बंदे ऐसे खेलते हैं।
और वो भी इस पिंग में। मेरा सब कुछ निकाल लिया यार, मैंगो एप्पल उसके डब्बे में ही होगा, रुको निकाल के लाता हूँ मैं, निकाल के ला के अच्छे से खाता हूँ, रुको। तो भाई जिस बंदे को मैंने पकड़ा था उसका दोस्त उसे ढूंढने आ गया, तो उसे भी निपटा था, रुको। भाई घर मालक को ढूंढ रहे क्या? रुक, पीछे से तुझे धप्पा दूंगा। धप्पा। तो चलो भाई पड़ोसी के घर में क्या हाल चाल है पूछने जाते हैं, ये गाड़ी भी किसकी और कौन मेहमान आया है देखते हैं। तो भाई मैं यहाँ पे आके देखता हूँ तो कुछ साउंड तो नहीं आता है, सब कुछ चेक कर लेता हूँ, कुछ नहीं मिलता तो मैं निकल लेता हूँ यहाँ से, किसी और की गाड़ी चुराने में मज़ा ही अलग है। तो फिर आपने वो गाना सुना ही होगा, इधर चला मैं उधर चला, तो इधर अभी यही होता है जब मैं इधर से जाता हूँ उधर से कोई निकलता है, तो देखो। फिर से इधर रुक गया भाई, फिर से निकल गया, तो चलो गाना गाते हैं। इधर चला उधर चला, जाने कहाँ मैं किधर चला, अरे फिसल गया अब तू तो गया। भाई घर तो बहुत खाली खाली लग रहा है, कोई भी नहीं है, घर के मालिक कहाँ रहने गए क्या पता। चलो फट्टे से देते एक, ये बूम हेड शॉट, बे बूम हेड शॉट। इस बंदे का नाम याद रखो, ये बहुत टेंशन देगा, नहीं तो मेरा किल लेगा कोई, ये भी हो सकता है। पट्टे ये बच गया, बे पकड़ पकड़ पकड़, बे पकड़ बे पट। अबे यार हट शिट, चुप गया। अबे यार शिट यार, मेरी पिंग ऐसी है तो क्या कर सकता हूँ भाई, अब तुम्हें भी क्या बताऊँ, खेल तो अभी मजबूर में खेलना पड़ रहा है आपको एंटरटेन करने के लिए, बस बाकी कुछ नहीं। मैं यही चाहता हूँ भाई कि भाई आप खुश रहो मेरे वीडियो देख के और एंटरटेन करो और मुझे ऐसे सपोर्ट करते रहो और मोटिवेट करो लाइक करके शेयर करके सब्सक्राइब करके। तो भाई देखो भाई उसने मेरा ले लिया, अबे नूबड़े ने जिस बंदे को मैंने बोला था भाई इसका नाम याद रखो उसको भी मार दिया, ये क्या सुन रहा। और पीछे से शायद घर मालक आ गए, रुको उनको ही उनके घर से निकलता हूँ, 1 मिनट। कहाँ पे भाई ये लोंडे, इनको दिखा था चूतियों को, 1 नंबर के चूते साले, ज्यादा कुछ नहीं। ओ ये ओ। तो भाई वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, अगर भाई और भी ऐसे वीडियो जानना चाहते हो तो भाई सब्सक्राइब कर दो, बस इतना ही चाहता हूँ मैं। तो भाई थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग, बाय बाय।